नमस्कार दोस्तों, 24 घंटे के भीतर मैं गोपाल कांडा के महल के पास फिर पहुंचा हूं। हरियाणा में सिरसा में शहर के बीचों बीच ये शानदार महल है। ऊंची ऊंची दीवारें और ऊंचे परकोटे, बड़े बड़े गेट और इन दीवारों के भीतर एक शानदार महल और उस महल में रहने वाले गोपाल कांडा, जो हरियाणा के सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, कद्दावर नेताओं में से एक है इस बार फिर चुनाव मैदान में। लेकिन आज दोबारा क्यों आया 24 घंटे के भीतर? क्योंकि कल जब मैं यहाँ आया था, गोपाल कांडा के शानदार महल की तस्वीरें अपने वीडियो में कैप्चर कर रहा था। ऐसा महल जो राजे रजवाड़ों का महल होता है, तो उस महल के गेट पर और ये जो ऊंचे परकोटे हैं वहाँ पर मुझे बीजेपी का झंडा दिखा था। और आज जब मैं सुबह इधर से गुजर रहा था तो पता चला कि बीजेपी का झंडा जो कल वहाँ लगा था, आज वो झंडा उतरा हुआ है। मेरे वीडियो पोस्ट होने के 18-20 घंटे के भीतर वो झंडा उतार दिया गया जो वहाँ कई सालों से था। ये विशाल गेट है, गेट के ऊपर अभी भी बीजेपी का झंडा लगा है। झंडा झुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है, बीजेपी का झंडा है। पार्टी इनका हरियाणा लोकहित पार्टी है। तो मेरे भीतर ये सवाल है कि आखिर क्या हुआ कि मैंने वीडियो पोस्ट किया, गोपाल कांडा के महल के ऊपर बीजेपी के झंडे की तस्वीर मेरे वीडियो में थी और उसके बाद वो झंडा हटा लिया गया। तो दरअसल गोपाल कांडा से बीजेपी का ऐसा रिश्ता है, कुछ कहा भी ना जाए और छिपाया भी ना जाए। बीजेपी से गोपाल कांडा का ऐसा रिश्ता है जिस पर एक पर्देदारी है। बीजेपी से गोपाल कांडा का ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते का ही नतीजा है कि गोपाल कांडा जो यहाँ से हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर, अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के समर्थक थे, उनके सामने बीजेपी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा था, जिसने पर्चा दाखिल किया था, उस उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया। मतलब गोपाल कांडा के सामने बीजेपी ने अपने अधिकृत उम्मीदवार को उतार कर और उसके बाद उनका पर्चा वापस करवा लिया। तो हरियाणा में 90 सीटों में एकमात्र सीट सिरसा है जहां बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, दिलचस्प बात यह है, न तो गोपाल कांडा ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया, बल्कि वो तो कह रहे हैं मैंने तो समर्थन मांगा नहीं किसी से, और न बीजेपी अधिकृत तौर पर कह रही है कि मैंने गोपाल कांडा को, हमने गोपाल कांडा के पक्ष में अपने उम्मीदवार के नामांकन को वापस करवाया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गोपाल कांडा के इस महल के इस दरवाजे के ऊपर बीजेपी का झंडा जो कल तक फहरा रहा था, वो झंडा 24 घंटे 20 घंटे के भीतर उतर गया। इस महल में गोपाल कांडा रहते हैं, उनके भाई गोविंद कांडा रहते हैं। कहा जाता है गोविंद कांडा अभी भी बीजेपी के साथ है। गोपाल कांडा सीधे तौर पर बीजेपी के साथ ना होकर भी बीजेपी के साथ है। गोपाल कांडा की कहानियाँ कल आपको मैंने बताई थी। ऐसी शख्सियत जो 90 के दशक में आखिरी दौर में, और मतलब 1995 से लेकर 2003-04 उस दौर में प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करते थे। गुड़गांव के इलाके में उन्होंने बहुत सारी संपत्तियां खरीदी, ज़मीनें खरीदी और बड़ा कारोबार, बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन एक ख़ास बात गोपाल कांडा में रही, जिसकी वजह से गोपाल कांडा जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी कई दलों से उनके रिश्ते थे, जब निर्दलीय थे तब भी उनके कई दलों से रिश्ते थे, और जब जीत कर आए तब भी वो उनके कई दलों से रिश्ते थे, लेकिन समय समय पर उनके रिश्ते बदले। गोपाल कांडा उस दौर में जब 2000 का शुरुआती साल था, 2000 से 2004-05 जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हुआ करती थी, तो चौटाला के करीब माने जाते थे, तब वो कारोबारी थे। अभी हालांकि नेता के चोले में हैं, लेकिन हैं कारोबारी, और बहुत करीब माना जाता था ओम प्रकाश चौटाला का उनको, और ओम प्रकाश चौटाला के बेटों का भी, अभय चौटाला, अजय चौटाला का भी। और सिरसा, जैसा कि आप जानते हैं, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला और देवीलाल के परिवार का सिरसा गढ़ रहा है। और उसके बाद गोपाल कांडा 2009 में चुनाव जीतते हैं निर्दलीय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हैं गोपाल कांडा, अपनी पार्टी के एकमात्र शायद विधायक थे, और उसके बाद गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं हरियाणा में। लेकिन 2012 में उनका इस्तीफा होता है, जब गीतिका शर्मा आत्महत्या का मामला आता है, जो उनकी एक एयरलाइंस कंपनी थी, उन्होंने बताई, चूँकि अकूत दौलत कमाया, अकूत संपत्ति अर्जित की, जैसे भी बनाया। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ 25-30 साल पहले उनका म्यूजिक का कोई शॉप होता था, रेडियो का, फिर जूते की दुकान थी, फिर जूते की दुकान से जूते की फैक्ट्री बनी, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी के धंधे में अपना हाथ आजमाया, गुरुग्राम में और
बहुत सारे इलाकों में उन्होंने ज़मीनें खरीदी और उन ज़मीनों को सस्ते दामों में ख़रीदा और कई गुना महंगे दामों में बेचा, और जो भी कारोबार किया उससे उन्होंने अरबों कमाया। और जाहिर है नेताओं से और जो सत्ताधारी दल से उनके सियासी कनेक्शन, चाहे चौटाला की सरकार रही, चाहे हुडा की सरकार रही, चाहे खट्टर की सरकार रही, और लेकिन उसी बीच फंसे तब जब गीतिका शर्मा ने, जो उनकी एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी, गीतिका शर्मा ने खुदकुशी कर ली थी, 2012 था शायद, और उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि उनकी खुदकुशी के लिए उनका शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और उसके लिए गोपाल कांडा जिम्मेदार। और गीतिका शर्मा की खुदकुशी के 6 महीने बाद उनकी मां ने भी खुदकुशी की, और उस दौर में गोपाल कांडा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार से गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वो जेल भी गए, लेकिन जेल में जो भी 1.5 साल के आसपास रहे, जमानत पर छूटे, फिर चुनाव लड़े 2014 में INLD से चुनाव हार गए गोपाल कांडा, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे। उसके बाद फिर 2019 में वो विधायक बन गए और NDA का समर्थन देकर NDA के साथ हो गए। और अब इस बार गोपाल कांडा अपनी पार्टी के टिकट पर हैं, लेकिन गोपाल कांडा जीत जाए इसलिए उनके सामने से BJP ने अपने उम्मीदवार हटाए, INLD ने उन्हें समर्थन दिया अभय सिंह चौटाला की पार्टी में ने, और जाहिर है BSP INLD के साथ। तो ये अगर कल यहाँ झंडा था तो ये झंडा हटा क्यों? अब दिक्कत क्या है कि यहाँ जो BJP के वर्कर और नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात कल भी हुई, अब उनकी बेचैनी है, क्रॉस कर जाओ इधर, अनसेफ है थोड़ा, उनकी बेचैनी ये है कि वो करें तो क्या करें जो पक्के वाले BJP के समर्थक हैं। BJP ने अपना उम्मीदवार हटा लिया, अब उनके सामने द्वंद्व है कि उनके सामने गोपाल कांडा है, क्योंकि BJP ने अघोषित तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग है गोपाल कांडा से, और BJP की अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि BJP को इस बात का एहसास है कि सिरसा में, चूंकि ये किसानों का इलाका है, जाट भी यहाँ बहुतायत में है, किसानों के प्रति BJP के रवैये, खट्टर सरकार के रवैये, किसान आंदोलन, पहलवानों को लेकर जो मसला है, उन सब को लेकर यहाँ ज़बरदस्त नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, और उसमें BJP की यहाँ लुटिया डूबने की पूरी गारंटी है। इसलिए BJP ने सोचा कि एक सीट गोपाल कांडा ही आ जाए, जीत जाए, जब खुद नहीं जीते तो कम से कम गोपाल कांडा जीतें। लेकिन कोई BJP का नेता खुलकर ये कह नहीं रहा। गोपाल कांडा पहली बार जब 5-6 दिन पहले उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ी तो हमारा जो गठबंधन है BSP और INLO का, और हमारा मतलब हरियाणा लोकहित पार्टी का, हम BJP को समर्थन देंगे। उस पर बवाल मचा, मैंने कल के वीडियो में बताया। अभय सिंह चौटाला ने खंडन किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने भी कुछ अपना बयान दिया कि हमने ऐसा, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, जो भी गोपाल कांडा ने कहा। ये भी कहा कि हमने कोई समर्थन BJP से नहीं मांगा है, पता नहीं उन्होंने क्यों उम्मीदवार वापस लिए। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही है कि झंडा अब उतरा है। अब मेरे भीतर जिज्ञासा थी जब मैं आज इसलिए आया कि आखिर वो झंडा उतर कैसे गया मेरे वीडियो पोस्ट होने के बाद। किसी ने फ़ोन किया होगा कि भाई देखो, तुमसे अजीत अंजुम तुम्हारे किले के ऊपर लगे हुए झंडे से BJP का कनेक्शन जोड़ रहा है, तो जो झंडा यहाँ सालों से है लगा हुआ था उसको उतार लिया गया। अब बड़ी ऊँची सी ये दीवार है, मेरे ख्याल से 40 फीट ऊँची, 40 फीट ऊपर चढ़ के जिसने भी उतारा होगा। तो अब शहर में बच्चा बच्चा जानता है कि BJP और गोपाल कांडा के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, अघोषित अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत BJP चाहती है कि उसका वोट ट्रांसफ़र हो गोपाल कांडा के पक्ष में, और इसलिए गोपाल कांडा और BJP में ये एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ उम्मीदवार का पर्चा वापस हुआ। लेकिन क्या BJP के वोटर, BJP के सपोर्टर गोपाल कांडा के लिए, गोपाल कांडा को वोट देने के लिए उस तरह से उस मनोदशा में होंगे क्या? क्या वो BJP के उम्मीदवार हटने के बाद भी BJP के पक्ष में, या BJP वोटर होकर क्या गोपाल कांडा को वोट देंगे, ये देखना होगा। और कल के वीडियो में बताया था गोपाल कांडा के ठीक सामने गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका भी घर है। बहरहाल आज तो सिर्फ मैं आया था कि झंडा उतर गया है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की कहानी है उस कहानी का हम इंतज़ार करेंगे। चलो आगे और कीजिए 8 अक्टूबर के दिन अपने राज की तैयारी। फिलहाल तो अब झंडा उतर गया है, तो देखते हैं क्या होता है। सिरसा फिर से आएंगे, फिर मुलाकात होगी, अब सिर्फ झंडा दिखाने आ गए। और एक गोकुल सेतिया से मैंने बात की है, वो भी मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार।